नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेटिंग एंड क्रिएशन चैनल पर। आज मैं आपको ये पजामी बताऊंगी बना के, जो वूलन की पजामी कैसे बनाते हैं। ये देखिए, ये मैंने ये करीब एक साल तक के बच्चे के लिए बना रही हूँ और अपने हिसाब से डालना है। मैंने इसमें ये 25 फंदे डाले हैं नीचे और थोड़ा सा ये एक सूदा एक उल्टा ये बॉर्डर बना दिया है और ये दोनों हिस्से मैंने ये बराबर बराबर बना लिए हैं पहले। अब जितनी लंबी जब पजामी बनाएं किसी दूसरी पजामी से नापे तो उतनी लंबी बना लें। अब ये दोनों हिस्से मैंने ये दो कलर में बराबर बना लिए हैं। नीचे थोड़ा सा ये बना लिया है बॉर्डर। अब मैं इन दोनों को एक साथ बनाऊंगी। टांगे अलग अलग बनानी है, फिर ऊपर का जो हिस्सा है वो एक साथ बनाना है। देखिए, साथ बनाने के लिए अब ये मैंने ये इसमें ये बना लिया और इसको भी अब हम इसी में साथ बना लेंगे, दोनों मिल जाएंगे, एक साथ बन जाएंगे। ये देखिए, इसमें ये फंदा साथ बुनने से पहले यहाँ पे हमें बीच में कुछ फंदे बढ़ाने हैं इससे कि ऊपर से पजामी ढीली हो जाए। तो इस तरीके से ले लें, एक फंदा ये बढ़ गया। एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। यहाँ मैं 5-6 फंदे बढ़ाऊंगी क्योंकि मैं ये छोटी पजामी बना रही हूँ। आप बड़ी बनाएं तो 10 फंदे बढ़ा लें बीच में, जॉइंट करते हैं, फिर 2-3 सलाइन पे बढ़ाते जाएं तो ऊपर के सामने फंदे बढ़ जाएंगे। ये अब यहाँ मैंने बीच में 2 फंदे बढ़ा दिए। इससे साइड से भी अब हम दोनों तरफ से यहाँ और यहाँ पे भी 2-2 फंदे बढ़ा लेती हूँ क्योंकि ऊपर के इससे थोड़ा लूज। देखिए, यहाँ साइड से भी मैं एक फंदा बढ़ा रही हूँ इसी तरीके से, ये बढ़ गया। ये दोनों साइड मैंने एक एक फंदा बढ़ाऊँगी। देखिए, ये मैंने एक फंदा बढ़ाया था, यहाँ पे मैं ये बढ़ा हुआ फंदा लिया, फिर दोबारा ले लें इसी में एक, ये वो फंदा ले जाएगा और मैं यहाँ पे एक फंदा और बढ़ाऊंगी। ये वाला ले लिया, फिर एक साइड से फिर दूसरी साइड से ले लेते हैं। ये दूसरा बढ़ गया, यहाँ बीच में मैंने 4 फंदे बढ़ा दिए। देखिए, इधर की साइड में भी मैं एक फंदा बढ़ाऊंगी, ये इसलिए इसे अंटा लगा लें और ये फंदा बढ़ गया। ये दोनों साइड से बढ़ा दिया मैंने एक एक फंदा और बीच में 4 फंदे बढ़ गए। आप देख लें, जैसे आपका बच्चा बड़ा है, पजामी बड़ी बना रहे हैं तो 10 या 12 फंदे बढ़ा लें तो ऊपर से सही आएगा। अब मैं इसको ऐसे ही सादा बनाऊंगी, थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा। देखिए, हमने यहाँ पर ये फंदे बढ़ने हैं, यहाँ पर मैं 2 फंदे और बढ़ा रही हूँ। एक ये बढ़ गया, फिर दूसरा इसी फंदे पे ये बढ़ गया।
एक फंदा हमसे दो दो बार निकाला दोनों तरफ से, इस तरीके से फंदा बीच में बढ़ जाएगा। ये देखिए ये मैंने ऊपर ये सादा बना लिया है दोनों परत मिला के, आप इसी तरीके से सादा बना लें अपने बच्चे के हिसाब से बना लें, या 15-16 इंच बेस बना लें, पंजमी में 15-16 इंच आता है, और ये टांगे अपनी लंबाई के हिसाब से बना लें। अब मैं इसे यहीं पे बंद कर दूँगी, ये घटा दूँगी, फिर आपको इसे सिल के बताऊँगी। इसी में से इतना बढ़ के बना लें कि इसे मोड़ने के लिए भी रबड़ डालने लायक बच जाए। एक लंबाई में 1 इंच फालतू बना लें, जिससे कि वो 1 इंच मुड़ जाए, अंदर रबड़ या ना कुछ डल जाए। देखिए इसको घटा के मैं फिर आपको ये सिल के बताऊँगी। ये देखिए ये मैंने बंद कर दिया, मैं आपको ये छोटे साइज में बता रही हूँ, आप बड़ी साइज में बनाओ, इसी तरीके ये बनाने का तरीका यही है। अब ये यूँ सिल जाएंगे इस तरीके से, ये यूँ सिल जाएगा और ये एक जॉइंट आएगा ऊपर यूँ, एक ही, ये पीछे कोई जॉइंट नहीं आएगा, ये सिंपल बन जाएगी। इसी तरीके से सिल के और थोड़ा सा ऊपर से मोड़ दें, ये रबड़ लाए अंदर की साइड सिलाई मार दें इस तरीके से, तो आपकी ये पजम्मी बिल्कुल बहुत सुंदर आएगी और सही बनेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।